और इन वर्ड्स की आप बर्ड्स इन साउंड की आपको मेक अ लिस्ट ऑफ दिस वर्ड्स इन बर्ड्स के साउंड की आपको लिस्ट बनानी है फॉर एग्जाम्पल चर्प 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 ये बर्ड साउंड है ओके मीन्स स्पैरो का साउंड है चर्प, चर्प चर्प तो आपको ऐसे ही अदर जो बर्ड्स हैं लाइक क्रो काओ काओ कुको को ओके okay, तो आपको ऐसे साउंड्स जो हैं आपको इन अंडरलाइंस में आपको लिखने हैं ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज नाउ राइट फोर सेंटेंसेस ऑन वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स आपको वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको फोर सेंटेंस लिखने ओके दे आर फोर अंडरलाइंस ऑल्सो टू राइट यू द फोर सेंटेंसेस वर्ड्स आर नेस्ट वाटर चर्प फ्लाई स्काई विंग्स नेस्ट मीन्स घोसला आप घोसला और बर्ड में क्या रिलेशन है ओके लाइक द बर्ड्स लिव इन द नेस्ट कि पक्षी कहाँ रहते हैं घोसले में रहते हैं वाटर और बर्ड्स जो है वाटर भी पीते हैं चर्प यानी कि चीची करते हैं फ्लाई उड़ते हैं स्काई आकाश में उड़ते फ्लाई करते तो कहाँ करते हैं आकाश में उड़ते हैं और किससे उड़ते हैं अपने विंग्स से उड़ते हैं तो ऐसे आपको इन वर्ड से फोर सेंटेंसेस आपको अपने बनाने हैं ओके लाइक द बर्ड्स इन द लिव इन दैनस्ट द बर्ड्स कैन फ्लाई द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई ओके द बर्ड्स कैन फ्लाई विद दियर विंग्स द बर्ड्स ड्रिंक वाटर द बर्ड्स चर्प ऑल्सो चर्प करते हैं ओके तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस स्टूडेंट्स ओके बट द मेन थिंग इज यू हैव टू मेक द सेंटेंस विद दिज वर्ड्स ओके द नेक्स्ट इज राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन विलो राइट वर्ड्स राइट वर्ड जिन शब्दों को लिखो दैट राइम जो राइम करते हों विद वर्ड्स गिवन बिलो जो गिवन जो वर्ड्स हैं उनके साथ राइम करते हो द फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू द फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू कि एक आपके लिए करके दिया हुआ है ओके okay? तो क्या करके दिया हुआ है ग्रो ग्रो एक वर्ड है अब ग्रो के साथ कौन से वर्ड जो है राइम करते राइम करने का मीनिंग होता है कि जिनका जो एंडिंग uh, साउंड होता है वो सिमिलर साउंड होता है ओके okay? ग्रो नो no, देखो ग्रो नो थ्रो सो ओ ओ जो प्रोनाउंशिएशन हो न, तो है, okay? grow, no, और, रहा है ना तो ऐसे ही वर्ड्स हमें चूज करने हैं ओके ये ग्रो नो और थ्रो तो हमें करके दे रखा है नेक्स्ट हमें खुद करना है ओके नेक्स्ट डे एंड फर्स्ट साउंड हैज गिवन बे डे बे रे आर ए वाई रे रे मीन्स किरण ओके थिंक नेक्स्ट इज थिंक थिंक के जैसा साउंड करे जो मतलब मीन्स इंक इंक वाला साउंड आए जो थिंक थिंक पिंक इंक फनी बनी सनी ईट बीट नीट सिंग किंग रिंग ऐसे बहुत से साउंड्स हैं स्टूडेंट्स जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओके सो दिस इज योर टास्क फॉर टुडे यू हैव टू डू In neat and clean handwriting. Okay, dear students. Thank you.